असलम खुश आहदेद सब बखैर तमाम देखने वालों को प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर यही अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं हमारी मामला और मसाइल के हवाले से और मीशत से जुड़े मामला हों सियासी नोयीत के मामला हों या इस वक्त जो बैमी सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी प्रोग्राम्स में गुफगू रही है और मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी इस मौजू के ऊपर गुतगु कर चुका हूँ ये मशरक़ पुस्ता की सूरत हाल है ये किस तरह जा रही है और ये जो ख़ास तौर पर जंगें हैं इनका क्या नतीजा निकलता है या इसका दीगर ममालिक या ख़ते के ऊपर क्या असरा मरतब होते हैं एक बड़ा आम मामला और मौजू है और यकीन कीजिए कि इसके ऊपर बात करना इतना आसान और सहल नहीं है ख़ासतौर पर ये जो तकलीफ के मनाजिर से लेकर शाम तक हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीनस पर यह बहुत ज़्यादा परेशान कुन है ये बात दुरुस्त है कि कोई पहला मौका नहीं है कि यह इसराइल की जो बरबरीत के जो अमली मुजाहरा हम इस वक्त देख रहे हैं ये कोई नई बात है ये एक सिलसिला एक बड़े तवील अरसे से लगभग पाँच दिहाइयों से ज़्यादा ये सिलसिला इस पर मुहित है और ये चला आ रहा है और इसका क्या हल हो सकता है ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल बन चुका है तो बहरहाल इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर भी कोशिश हो रही है कि इससे आपको आगा रखा जाए बल्कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जरा अबलाव है उसकी तमाम तर तो इसी अहम मामले और मसले पर मरकूज़ है और यकीन होनी ही चाहिए इसके साथ साथ हमारे अपने जो मामल हैं आ, वो अपनी जगह ताहल मौजूद हैं और इस वक्त मुल्क में जो अमूमी सूरत हाल है सियासी आ, उससे भी यकीन आप वाकफ़ होंगे कि एक निगर हुकूमत है जो ये सारे मामला वक्त चला रही है और अब सही है ये गलत इसके ऊपर तबसरा नहीं किया जा सकता बहरहाल आम इंतबात समझा ये जा रहा है कि मसाइल का हल निकाल लेंगे और जब आम इंतबात हो जाएंगे तो उसके बाद फिर शायद सूरत में आ, सूरत हाल में बेहतरी आ सकेगी और यहाँ तक कह देने के बाद अब एक और मरहला है और वो ये एक बड़े सियासी रहनम उनकी वापसी का सिलसिला है जो के अनकरीब अब वो सिलसिला शुरू हो जाएगा और सबसे लेकर शाम तक इसी मौजू पर तज्जय और तबसरे हो रहे हैं बड़ी अजीब सी बात है कि इस वक्त हमारे जो मसाइल हैं वो इंतहाई पेचीदा हैं गौरतलब हैं और इसके लिए हमें बैठ कर कुछ सोचने समझने और गुफ्तगू करने की ज़रूरत है बदकस्मती से इसके बरअक्स हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो सबक लीडर या वज़ी अज़म हैं जब पाकिस्तान आएंगे तो किस रास्ते से आएंगे, उनका अगला स्टॉप क्या होगा उसके बाद क्या होगा अदालतों के सामने पेश होंगे नहीं होंगे बहरहाल यकीन कीजिए आज हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए ये सोचने की इस वक्त ज़रूरत है कि हमारे जो मसाइल हैं जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं इनके जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं ये महज किसी एक शख्स और पार्टी की वजह से यहाँ नहीं पहुँचे इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं बहुत सारे चेहरे हैं बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहरहाल इसके ऊपर क्योंकि पैगाम हमें मौसू हुए हैं लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ जो लोग प्रोग्राम देखते हैं अपनी राय का इजहार करते हैं और इस न, इस वक्त इतना मसरूफ़ वक्त है लोगों का स्केचल इतना ज़्यादा टफ हो चुका है कि शायद उनके पास अब वक्त नहीं होता क्योंकि दीगर और मामला बहुत सारे हैं जिसके अंदर लोग आजकल मसरूफ़ हैं क्रिकेट मैच है टिकट है और ना जाने क्या कुछ मसरूफियत है हमारे लोगों के पास उसमें से वक्त निकाल कर प्रोग्राम में मैसेज में भेज देते हैं तो बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो प्रोग्राम में अपनी राय से हमें नवाजते हैं सियासी नोयीत के मामलों और मसाइल के ऊपर गुतगु करेंगे और साथ ही जैसे एक अहम मसला जिसकी अभी मैंने निशानदाही की है ये कैसे हल होगा उसका क्या नतीजा निकलेगा सियासी लीडर्स आते जाते रहते हैं मगर जो मामल और मसाइल हैं वो अपनी जगह रहते हैं बल्कि उसमें बेपनह इजाफा हो जाता है आखिर ऐसा क्यों है इस समझने की कोशिश करेंगे सियासी मामला पर गुफू करने के लिए आज मदू का रखा हमने एक बड़ी आम मेहमान शख्सियत को अक्सर बेशतर हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं बड़ी अच्छी गुफगू करते हैं अपनी पार्टी की ना सिर्फ नुमाइंदगी करते हैं बल्कि उसके साथ साथ की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी अच्छा खासा तबसरा और तज़िया कर लेते हैं अब्दुलरक बाजवा साहब मैं इनकी बात कर रहा हूँ आज तशीफी तो फरमान बहुत, बहुत, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बड़ी नमाज यासिफ़ साहब आप हमेशा बहुत एहतराम बहुत मैं आपका और आपके चैनल का बड़ा शुक्र गुजार हूँ बड़ी नमाज जैसी नाचीज़ को बार बार आप बुलाते हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू आज जी आपकी भाई आपसे बात करके हमें इसलिए ज़्यादा वो होता है कि आप एक सियासी कारकुन तो यकीन हैं लेकिन उसके साथ साथ आप बड़ा गैर जानबदार तज्जिया भी करते हैं कि क्या वाकता आप समझते हैं कि सियासी लीडरान के आने और जाने से फ़र्क पड़ता है ये सियासी कारकुनान जो कि लीडरशिप के ना होने की वजह से बड़े तवील अरसे डायरेक्शन लेस थे उनके पास कोई सिमत नहीं थी अब उनके लीडर के आ जाने से आप समझते हैं कि मसाइल हल होंगे ये जो पार्टी जो उनकी इस वक्त जिसका महसूस ही होता है कि कोई शराजा बिखर रहा है उसको समेटने में कामयाब हो जाएंगे इस नुकते से मैं चाहूँगा गुफ्तू काकाश कीजिए जी बे बेसमल्लाहमान रह यासी साहब देखें कि पाकिस्तान की जो बड़ी जमातें थी पहले हम, हम बचपन से जो सियासी वर्कर हम थे और आज भी हैं हम देखते आ रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अपनी जगह बनाई तीसरी जमात कोई ऐसी नहीं थी जो अपने आप को मुल्क सतह की जमात कह सके तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो जिला वतनी थी मैं समझता हूँ ये कोई वो खुशी से नहीं गए थे और उन्हें पहले जबरन उनका इकतजार छीना फिर उसके बाद उन्हें उन पर झूठे मुकदमात बनाए फिर वो जेल में गए जेल के बाद जाने के बाद जब इस्टेब्लिशमेंट को ख़बर हुई कि ये इतने कोई ख़ास केसेस नहीं है ये बने बनाए केसेस हैं जिस तरह बना दिए जाते हैं हमारे यहाँ जो भी कुछ किया जा सकता है हमारे पास सब कुछ अलहमदिल्ला भर भरमा रहे हमारे मुल्क में तो मैं समझता हूँ कि एज ए सियासी वर्कर हमारे मुस्लिम से सियासी इख्त लाख हो सकते हैं और हम वो अपने प्लेटफार्म पर हैं हम कई जगह इकट्ठे भी हो जाते हैं सही जब है। कोई जबर और जुल्म करता है जब वो आवाम पर मुसलत होने की कोशिश करता है तो हम इकट्ठे भी हो जाते हैं लेकिन पॉलिटिशन उनकी अपनी है हमारी अपनी है तो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ का मैं ऐति तौर पर मैं मैं, मैं अपनी रजाक बाज़वा मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाशर को पाकिस्तान आना चाहिए ये उनका मुल्क है वो पाकिस्तान की बड़ी एक जमात के बड़े लीडर हैं और मैं समझता हूँ कि उन्हें जो भेजा भी गया था वो भी जबरन भेजा गया था अब अगर वो पाकिस्तान में आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सियासी वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है वेलकम टू पाकिस्तान ये उनका भी पाकिस्तान है हमारा भी पाकिस्तान आप देखिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुटो साहेबा ने मुशरफ दौर में जब अपनी जिला वतनी ख़त्म करके वो पाकिस्तान तशरीफ ला रही थी तो वो मियाँ नवाज शरीफ को भी आने का रास्ता मिला और उन्होंने मियाँ साहब को भी कहा कि तो आप मियाँ रा, कितनी भारी कीमत शहीद बेनज़ीर भुटो साहबा ने आ, उसकी दी और जिसमें उनकी जान चले गई हजारों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स शदीद शहीद भी हुए और शदीद जख्मी भी हुए और जो आज तक जो है वो है अपना क्या अपाज हो, हो चुके हैं अपाज हो चुके हैं थैंक यू अपाज हो चुके हैं हमने बड़ी भारी कीमत दी है थैंक यू हमने बहुत भारी कीमत अदा की है इस जमहूरियत के लिए तो मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ के आने से जो एक खिला था मुल्क में सियासी कायदीन का वो ख़त्म होगा और मुल्क दोबारा से सियासी जमातों के में आता और वो क़वतें जो क़वतें ये आस लगाए बैठी थी कि शायद हम दोबारा से कोई और शक्ल दे करके इकतदार पर काबिज़ हो जाएंगे तो वो नहीं हो पाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ को आना चाहिए ये उनका मुल्क है और जो मुकदमा है उनका सामना करना चाहिए।, तो करना चाहिए अब वो चाहे जमानते लें या कबल वक्त गिरफ्तारी जमानतें लें या उसके बाद अदालतों में ये जाने और अगर वो मुकदमा सच्चे और खड़े हुए तो वो दोबारा जेल जाए चले जाएंगे क्योंकि वो पाकिस्तान की पाकिस्तान में आ चुके और अगर वो मुकदमा झूठे हुए या गलत हुए तो मैं समझता हूँ कि उन्हें रिलीफ भी मिलेगा और मिलना भी चाहिए अगर वो झूठे मुकदमा है और फिर जिन लोगों ने बनाए थे उस वक्त की ने या इमरान खान ने मैं समझता हूँ कि उनको भी इसकी सजा देनी चाहिए ये ये, ये मजाक बंद होना चाहिए या सिर्फ भाई ये मजाक बंद होना चाहिए आप किसी भी नेशनल लीडर को देखें इमरान खान भी उस सफ में शामिल होने की उसने कोशिश की काविश की बड़ी हिम्मत की पच्चीस छब्बीस साल उसने जद्दोजहद की वो आ गया तीसरे नंबर की पार्टी में वो आ गया था जो खुद को पहला कहता था लेकिन था तीसरा नंबर लेकिन उसका तर्ज सियासत जो है आहिस्ता आता तब्दील होता क्योंकि उसने लोगों को दिखाया शौकत खाना फराग होगी <laughs> यानी आप <laughs> दिखा तो हमें शौकत खान अब रहे <laughs> और, है। और 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 आप हमारे सामने वो कौन सा गुज्जर ले आए और वो बुशरा <laughs> बीवी साहिबा ना जाने फिर वो बुजदार ना जाने चौधरी परवेज परवेजलाई जिसको वो कहते थे कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू देखिए देखिये उनके कोल और फेल में बड़ी तजाती है हम उनकी अब तो उनकी कोई मुखालफत भी नहीं कर रहा अब तो नाम लेना भी मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम भी ना होगा दास्तानों में अब तो, तो वो, 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 वो एक किस्सा पारसा बन गए लेकिन मैं समझता हूँ कि नेशनल लीडर जितने भी हैं पाकिस्तान के उन्हें अपने मुल्क में आना चाहिए सियासत करनी चाहिए ये उनका मुल्क है अपनी अपनी आप अपना प्रोग्राम दे कौम को कौम जिसको चाहे वोट दे जिसको चाहे अच्छी बात कर। है भाई दो चीज़ों की निशानदही इसमें हुई अभी आखिर में जैसे आपने कहा कि एक प्रोग्राम देना चाहिए बिल्कुल दुरुस्त है क्या प्रोग्राम होगा क्योंकि अब ख्याल ये है कि जो सियासत होगी आने वाले वक्त में मैं इस बात को दावे से तो नहीं कह सकता ना हम ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि लोगों में कहीं ना कहीं शौर ज़रूर बेदार हुआ है अब उसकी नोयत क्या है ये एक अलग बात है शौर को आप ये समझ लीजिए कि शायद वो मामला को अब समझना शुरू हो गए अच्छा ये कहते हुए अब आगे देखना होगा कि कौन अपना प्लान लेकर आता है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया और दूसरी बात ये कि ये जो सोलह माह के अंदर जो कुछ हुआ है वो यकीनन इतना आसान नहीं होगा उससे पीछा छुड़ाना ये आप समझ लीजिए कि ये तो बड़ी खुशकस्मत ही है कि लोगों की याददाश्त जो है वो इतनी नहीं है कि वो मामला को ज़्यादा देर तक याद रखें अगर महंगाई में अभी और कमी हो जाए तो लोग शायद ये भी भूल जाएंगे कि सो लामा में क्या कुछ होता रहा ये आपके ख्याल में आसान होगा आ, दो बड़ी जमातों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए कि जब वो आवाम में वोट लेने के लिए जाएंगे तो क्या उनको इस सवाल का सामना करना पड़ सकता है उसके लिए कुछ तैयारी है इस पर चाहूँगा मैं मैं तो दोनों जमातों के मैं दोनों जमातों के कायदीन से भी उनके वर्करों से उनके कारकुनों से भी यह गुजारिश करता हूँ कि ये ये जो महंगाई की वजूहत आई हैं सोलह महीने की इसे इसे उजागर करने की जरूरत है बताने की ज़रूरत है आवाम को जा करके ये पैगाम देना चाहिए कि इस महंगाई का जिम्मेदार कौन था ठीक ये है। किस बंदे की पॉलिसियों से ये महंगाई आई किस वजह से ये महंगाई आई अब अगर हमारे सियासी कारकुनान अपना पैगाम आवाम तक पहुँचाने में नाकाम हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसका सारा फायदा जो है पी टी आई को होगा ठीक है ये तो सियासी कारकुनान की जिम्मेदारी बताना अब देखें हमने हम ये जो सोलह माह का इकतदार था ये इसमें तो रियासत को बचाने की सियासत को बचाने के लिए तो कोई जद्दोजहद की नहीं गई उसमें मैं सारी जमातों को क्रेडिट देता हूँ उसमें एम के एम एम उसमें आ, नून लीग है हमें और भी दीगर जो जो बारह चौदह जमातें थी तेरह जमातें थी टोटल इस, इन्होंने सब ने रियासत के साथ खड़े होकर ये साबित कर दिया कि हम सब पाकिस्तान से प्यार करते देखिए अगर उसी समत में मुल्क चलने देते या ये यही शर्त शराय रखते कि जी हम आगे महंगाई नहीं करेंगे हम हम सस्ताई करेंगे हमें आप इकतदार दे रहे हो तो हम कैसे हम, हम देखिए इस चीज़ की हमने कतन परवाह नहीं की सारी जमातों मैं, मैं को नहीं मैं सारी जमातों को देता हूँ उन्होंने अपनी 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 जमात देखिये हम पे प्रेशर नहीं था आवाम का अवाम कह रही थी आप लोग तो निकले थे ए, महंगाई के खिलाफ सबसे पहला जो महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया वो चेयरमैन बिलावल भुटा साहब ने किया जिन्होंने अवाम को मुतारक किया लोगों को बताया कि ये बंदा क्या कर रहा है जिसकी वजह से इमरान खान का इकतदार गया हम पे तो बहुत भारी नून लीग पर इतनी जिम्मेदारी नहीं थी नून लीग ने तो खामोशी से इकतदार अपने हवाले किया मियाँ साहब को वज़ी अजम बना दिया तक नुकसान उनका भी हुआ, हुआ। लेकिन जो कुर्बानी पाकिस्तान पीपल हम तो इकतदार में थे हमें तो सूबे की हकूमत हमारे पास थी मिली जुली हुकूमत हमारी हर जगह थी सैनट में भी हमारे पास सब कुछ था हमें तो कोई ज़्यादा इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हुआ। कि लोग जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पीपल ये जमातों ने सिर्फ इकतदार हासिल करने के लिए अपने के भाई अगर आप झूठे मुकदमा बनाएंगे अगर आप सियासी कारकुनों पे इल्जाम तराशी लगाकर नेब न्याजी का गठ जोड़ करके कर आप झूठे मुकदमा बनाएंगे अगर वो उसमें बरी होते तो उसमें उनका क्या कसूर है भाई वो तो बेगुना है ये सिलसिला खत्म हो पाएगा ये जिसमें झूठे मुकदमात बनाए जाते थे लोगों को पकड़ा जाता था क्योंकि अभी जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए ये कहना मुश्किल है अब लामला उसमें जो बड़ी सियासी जमातें हैं या तीसरी जो सियासी जमात है जो आजकल जेरा ताब है ये सारे शामिल रहे हैं और किसी का भी तर्ज़ सियासत चेंज नहीं हुआ हती कि अभी जो नारे भी इस्तेमाल हो रहे हैं ना आप मुझे माफ़ कीजिएगा आपकी जमात है मुस्लिम लीग नून है या तीसरी जो एक जमात है जो जेराताब है

जंग लड़ रहा है पचास साल पांच दिहाइयों से जी। आप भी टीवी देखते में। मैं कभी नहीं गया और ना मेरा कभी जाना हुआ है वहां ऐसे पाकिस्तानी मैं टीवी पर देख रहा हूं मुझे एक झुग्गी झोपड़ी नजर नहीं आई वहां एक कोई सड़क टूटी हुई नजर नहीं आई मुझे कोई कच्ची आबादी नजर नहीं आई मुझे कोई 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 सड़कों पे भिखारी नजर नहीं आया मुझे कोई कोई भीख मांगते हुए बच्चे औरतें नजर नहीं आई पचास सालों से फलस्तीन जंगी हालात से गुजर रहा है कुर्बानियाँ दे रहा है अपनी धरती के लिए अपनी जमीन के लिए अपने खिते के लिए उसके बावजूद आप वहाँ की बिल्डिंग्स देखें वहाँ की सड़कें देखें मैं, मैं तो मैंने कहा यार ये लोग लंडन, लंडन 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 भाई यूरोप 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 वो तो फलस्तीन तो कम नहीं है यूरोप से ये तो ये ये जो बमबारी से जो उसकी हालत की है इसराइल ने अल्लाह इसको तबाह बर्बाद करे और वो 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 तो, वो, तो बहुत खुशहाल मुल्क है जंगी हालात में वो खुशहाल है सिर्फ उसकी वजुहत यासिर साहब एक ही है करप्शन नो करप्शन नो करप्शन उनके उनमें उनके यहाँ जो भी इकतदार में है चाहे करल कजाफी से लेकर आज तक आप, यासर जी जी यासिरफात साहब है बहुत सारे आप देखें मुझे म, मुझे आप एक कोई मिसाल दे दें कि यार वहाँ फलां प्राइम मिनिस्टर या फलां वजी खजाना या फलां वजी दाख इतनी करप्शन की थी नहीं वो 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 अपनी कौम से मोहब्बत करते अपनी धरती के लिए मर रहे हैं आप देखेंगे किस कदर मासूम फूलों की मानद बच्चे जिस तरह गुलाब के फूल होते हैं नहीं और नहीं। वो 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 मनो मिट्टी के नीचे जा रहे हैं बिल्डिंगों में उन पर बमबारी हो रही है उन्हें हॉस्पिटलों पर अटैक हो रहा कल एक बेकरी पर अटैक हुआ है जिस बेकरी में थोड़ा बहुत खाना तैयार करके दिया जा रहा था हॉस्पिटलों को या उससे भी तहस नहस उन्होंने कर दिया तो मैं समझता हूँ कॉमें इस तरह बनती हैं कॉमें कौ, करप्शन करके हाँ आप करप्शन करके खुद को तो मजबूत कर सकते हैं आप अब ख़ुद को मजबूत कर सकते हैं अपने ख़ानदान को मजबूत कर सकते हैं अपने कारखाने लगा सकते हैं अपने 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 मामला आप दुरुस्त कर सकते हैं लेकिन कौम के मामला आप दुरुस्त नहीं कर सकते सबसे पहले मैं सारी सियासी जमातों, खुद से मैं शुरू करता हूँ हम सबको मिलकर अब इस वतन के लिए इस मुल्क के लिए और इस लुटी पुटी टूटी फूटी आप देखें कि हम 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 तो पचास सालों में जंग में नहीं है ना ठीक है हम तो एंजॉय कर रहे हैं हमारे पास तो, तो ये, ये, बात सही है कि हालात तो हमारे जो, तो जो, 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 जो 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 बुरे हालात हमें पाकिस्तान में दही इलाकों में चारों सूबों में मैं मैं किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा हूँ चारों सूबों में आप देखें आपको गरीब और अमीर में कितना फर्क नजर आता है जमीन और आसमान का आप देखें फलस्तीन में जंग हो रही लोग कत्ल हो रहे हैं लोग हॉस्पिटलों में जा रहे हैं आप देखें कि उन उनके बच्चों के कितने खूबसूरत कपड़े कितने खूबसूरत चप्पलें कितनी खूबसूरत गाड़ियाँ कोई ठीक है उसकी वजह यही थी कि हुक्मरानों ने वहाँ के करप्शन नहीं की अपनी धरती से प्यार किया और मैं समझता हूँ कि हम हमारे हुक्मरानों को भी आ, अब कर कर चाहिए। चाहिए। क्या करने हैं ये दौलत क्या करने हैं ये पैसे कितने पैसे चाहिए आपको जिंदा रहने के लिए कितनी जिंदगी कोई हजारों साल हमने जिंदा रहना है बिल्कुल कोई लाखों साल हमने जिंदा रहना यार पल का पता नहीं है एक दिन का पता नहीं है तो मैं समझता हूँ पैसे से इतनी मोहब्बत की की जानी चाहिए जितनी आपको जरूरत है ठीक इससे ज्यादा नहीं करनी अल्ला चाहिए अल्लाह बात समझ में आए किसी को ठीक है अब थोड़ा सा आते हैं इस तरफ सियासत जो हो रही है खासतौर पर सिंध सूबे के अंदर जो हो रही है और हर शख्स ये दावेदार है कि अब इसको फतह कर लेगा पंद्रह साल में जो कुछ मामल रहे आपकी हुकूमत के ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि कि, शानदार कारकरी रही है बहुत ज़्यादा इसमें मदोज़र देखा गया उतार चढ़ाव रहा और बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना हो सकता है कि आपको करना पड़ जाए क्योंकि आपकी पोजिशन सबसे ज़्यादा मस्हकम इसमें नज़र आ रही है लेकिन अब ये जैसे हर बार ही दावा होता है अब तो आपको पता है अलाइंसिस का दौर है अलाइंसिस बनाए जाते हैं फलाना इतिहाद उसके साथ मिल जाएगा शहरी इलाकों की जो एक बड़ी जमात हुआ करती थी वो कहती है कि अब आने वाले वक्त में हम एक नया इतिहाद बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल होंगे डॉक्टर खालिद शुंडो वाले जो है जमात वो जी डी ए जिसको आदर, कहते हैं जी डी ए है जिसके अंदर और बहुत सारे आपके माजी के जो लोग हैं वो इसका हिस्सा हैं फंक्शनल के बहुत सारे लोग हैं तो जनाब ये इतिहाद मिलकर जो है वो टफ टाइम देगा कारदगी को देखते हुए मुतमिन हैं कि मामला पहले से जैसे जीतते आए हैं उसी तरह जो है वो क्लीन स्विप करेंगे या इस दफा लगता है कि मामला चेंज हो सकते हैं हैं साहब क्या सोच रहे मैं आपको तारीख की थोड़ी सी पीछे लेके जाता हूँ दस पंद्रह बीस साल पहले जब जब भी इलेक्शन करीब आते हैं जब जब भी खासतौर पे सिंध में कहीं नहीं पूरे पाकिस्तान में कोई इतहाद नहीं बनता सूबाई हुकूमतों के खिलाफ देखिए हमारे पास भी सुबह पार्टी हमारी कौमी है अलहमद ला और लेकिन हमारी सूबे में थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा से ये तीतर बटेर ये घोड़े ये घडे सब जमा हो कर के एक ग्रुप बना लेते हैं और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ओ, ये अच्छा इनकी सारी आंखें किन की तरफ होती हैं मजे की बात इन सारे कभी जी डी ए कभी पी डी ए कभी सी डी ए कभी एस डी ए अल्लाह जाने कितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।, पार्टी के खिलाफ बन चुके हैं मुझे तो अब उनके नाम भी भूल गए अच्छा ये बनते सिर्फ पाकिस्तान इलेक्शन के लिए उसके बाद ये तितर बितर हो जाते हैं अब आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध की अगर आवाम की खिस्मत ना की होती तो लोकल बॉडी में हमें वोट ना पड़ता सिंध के छः के डिविजनल मेयर हैं वो हमारे हैं आ, सारी डिस्ट्रिक गवर्नमेंटें अलहदुल्लह आवाम की ताकत से बनी ना के ये ये, ये कोई हमने पैसे दे करके तो नहीं, नहीं ले लेनी या कहीं मिलती हैं तो बता दें दे, मैं भी अपने ये, देखिए ये, ये ये हमारे मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते हैं सिंध की अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अहतम करती है करती रहेगी इन शहमदिल्ला और मैं समझता हूँ कि इस बार तो ये जो कहना है ये हमारे मुखालफ इतिहाद जो बन रहे हैं उनका कि जी हम टफ टाइम देंगे तो मैं उनकी मालूम में इजाफा कर ज़्यादा इशल्ला इनशाला के मेबरान अपोज आएंगे आप लोग इस काबिल ही नहीं हो गए लड़ सको और कराची में भी कराची में भी आ, बड़ी तादाद में अलहमदल हमारी सीटों में इजाफा हो रहा है उसकी वजह यासर साहब लोग जोक दर जोक हम सियासी कारकुनों के घरों पर लोग आ रहे हैं कि जी आप हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करवा लें आप यकीन करें मैं 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 आपके चैनल पर कोई अल्लाह ना करे कोई सख्त बात ना कह दूँ हमारे हमारे कायदीन अगर थोड़ी सी बाहें खोलें और हमें थोड़ा सा इजाज़त दें हमारी लीडरशिप सूबाई तो मैं समझता हूँ कि इतने लोग शामिल होने के लिए तैयार तो हैं अच्छा कुछ वो इसकाम वाले गैर इसकाम वाले और नई जो नौजायदा पार्टियों का जो हिस्सा बन रहे थे ये भी है कि वो भी आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं मैं जरा उसके बारे में रजाक भाई आपसे गुफ्तू करूँगा एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है ब्रेक के बाद ज़रा इसके ऊपर तससीन गुफतु हो जाए <coughs> कि क्या सूरत हाल है और आम इंतबात से पहले जो सियासी वफादारियाँ हैं ये बहुत तेज़ी से या तो तब्दील हो जाती हैं या करवा दी जाती हैं दोनों सूरतों में यही लोग होते हैं जो आपको बार बार नजर आते हैं एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक है यहाँ पर और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो गुफ्तु -गु के सिलसिले को जारी रखेंगे आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे मृत पे जाने से पहले सियासी नौीयत के मामला पर गुफगू -गु हो रही थी मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अब्दुलरक बाजवा साहब खुलकर बात कर रहे हैं इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, है उस हवाले से और आम इतब से पहले जो रिवायती हमारी सियासत है जोड़ तोड़ का सिलसिला जो शुरू हो जाता है वो भी बामूज पर है नई जमातें तख्लीक हो रही हैं या की जा रही हैं जैसा भी आप इसको समझें मेरे पास तो अल्फाज नहीं है शायद सही तरह से नहीं अदा कर पा रहा लेकिन बहरहाल उसमें पुराने चेहरे ही नए अंदाज़ में नए स्टिकर के साथ नज़र आ रहे हैं अब लोगों के लिए एक बड़ा इम्तहान है अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जब हम जाते हैं कहीं पर कि आपने इन लोगों को रद्द करना है तो वो ये कहते हैं कि इनके अलावा फिर क्या आपके पास ऑप्शन है ये वही चेहरे हैं जो आज किसी पार्टी में और कल ये भी इनका आखिरी स्टॉप नहीं होगा इसके बाद ये किसी और पार्टी के अंदर आपको नजर आएंगे तो जनाब क्या ये सिलसिला चलता रहेगा इस पर गुतगोरी थी रजाक साहब अब ये कि जितने भी इस, मैं तो बड़ा मायूब समझता हूँ सियासी यतीम हो जाना इसको कहते हैं जो लोग हैं वो इधर उधर देखते हैं और फिर वो जो बड़ी पार्टियाँ हैं दो जो बड़ी जमातें हैं उस तरफ फिर उनका रुख होता है पंजाब के अंदर एक पार्टी की तरफ जाते हैं सिंध के अंदर तो ज़ाहिर है कि उनके पास ऑप्शन नहीं ये सिलसिला जारी है लोग आ रहे हैं और क्या यही होगा फिर इन लोगों को समो लिया जाएगा और फिर वही नुकसान उठाने पड़ेंगे क्या इसके लिए तैयार हैं पीपल्स पार्टी या, यासि साहब उसकी एक वजूहत आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रोशनी डालूँगा थोड़ा सा नून लीग पे क्यों, क्यों वजह नहीं नहीं। दिया बेनजीर साहबा ने अपनी जान का नजराना दिया आज उनका एक ही बेटा है बेनजीर साहबा का जो चेयरमैन हमारी पार, पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो आज वो देखे मैदान में है हमारी हमारी क्यादतें कुर्बानिया देती हैं ज़ाहिर उसमें वर्करों की भी बहुत बड़ी कुरबानियाँ हैं हमारे अभी जो अट्ठारह अक्टूबर का जो हसाना हुआ था कारसाज देखिए ये लो, लोगों ने फिर जो मुतबाद दूसरी जमातों को जब आजमा नून ली गई आप देखेंगे नवाज शरीफ साहब ठीक है हमारी मुखालफतें उनके साथ सियासी वो देखें कितनी बार जिला वतन हुए लेकिन मुल्क पर नो कम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान पर नो आसिफ अली जरदारी साहब ने मोतरमा बे नज़ीर भुटो की शहादत पर उनके जनाजे पर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया इससे ज्यादा और क्या मोहब्बत होगी अपने मुल्क से आपकी कि आप आ, लोग तो ये तो करके बैठे थे कि सिंध टूट जाएगा सिंध डिवाइड हो जाएगा और, और, और बहुत जज्बाती थे सिंध के लोग लेकिन से आसद, मैं समझता ने वो, वो 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 इतना बड़ा सबर इस्तकाम आपने कहीं और नहीं देखा होगा कि अपनी लीडरशिप वो बेनज़ीर तो बेनज़ीर थी ना देखिए कि आपने उनके उन्होंने उन, सारे मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों के ख्वाबों पे पानी फेर दी इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ उन्हें तीन बार आज भी वो जिला वतन है शायद वो कल आ रहे हैं पाकिस्तान मैं उनको वेलकम करता हूँ कुर्बानियां दे रहे हैं जेलों में जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं पाकिस्तान के ये वजूहत है कि लोगों की चॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नूनली पंजाब वालों की अब इन पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत इस पेज मिल रहा है हमें बहुत शमोली तरह देखिए कल जो हमारे मेहर साहब हमारा बड़ा ख़ानदान है जो जी के बड़े अहम रहनुमा भी थे एम भी हैं उनके उनकी फैमिली के तीन चार एम पी एम एन एज होते हैं हमेशा से उनसे पहले गौस बख्श खान मेहर साहब तशरीफ लाए हमारी पार्टी में शु जो भी वेलकम करता तो वजह यही है कि लोग जब देखते हैं आप देखें कि दूसरी पार्टियां जब झूठ बोल करके अपना रंग चढ़ाने की कोशिश करती उसमें कुछ लोग जाते भी हैं लेकिन इंतहाई मायूस होकर उन्हें फिर वापस घर पर लौटना पड़ता है तो मैं ये समझता हूँ कि वफा की आलामत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नून ली गई या दीगर मैं समझता हूँ कि ये लोग लो बेहतर फैसला इन्हीं के हक में करेंगे और आइंदा भी आइंदा भी जो है इंशाल्लाह हम ये वही लोग बनाएंगे जो इस मुल्क से प्यार करते, कर करते हैं जो अपनी सियासत को रियासत पर कुर्बान कर करते हैं ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि सियासत को रियासत देखे, देखे, देखे ना रिया। कि एक एक इमरान खान के खिलाफ एक आईनी तरीके से एक अदम अदम अतम का ऑप्शन हमें आईने दिया है अच्छा वो आज भी स्टेट ऑफ में है वो कहते हैं कि ये कोई साजिश वो तो कहता है कि मैं बादशाह सलामत था मुझे क्यों निकाला मुझे वो लोगों को कहता था मुझे क्यों निकाला अब वो खुद कह रहा है कि मुझे हेलीकॉप्टर चलाता था

लोगों का बड़ा तल्ख तजर्बा रहा ख़ास तौर पर जो सियासी मच्योर लोग थे देखिए मीशत के हवाले से कहा यह जा रहा था तास ये दिया जा रहा था कि जी फ़लाना शख्स आएगा डार साहब आएंगे या कोई भी आएगा मीशत बेहतर हो जाएगी बुरी तरह नाकाम हुए और इस बुरी तरह से नाकाम हुए कि लोगों में अब अतमाद बहाल करना एक बहुत बड़ा टास्क होगा यही वजह है कि कोई बयानिया कोई अब नहीं बन पा रहा है तो सब जानते हैं कि मीशत की बहाली को बुनियाद बना कर ये कहा जा रहा है कि वापसी के लिए उनको लाया जा रहा है अब ये बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये मीशत की बहाली एक बहुत बड़ा टास्क है इसको कैसे किया जाएगा महसूस ही हो रहा है कि यह मामला हाथ से निकल गया है जी नहीं अलहमदिल्ला ये मामला हाथ से नहीं निकलेगा ये मुल्क इन कायम और दायम रहने के लिए बनाए ये चालीस पचास लाख लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया था नहीं। प्लेट में चालीस तो तो लाख पानी का रंग लाल हो गया था ये, ये, ये वतन जब हमें मिला नहीं था नहीं हमारे बड़ों की कुर्बानियों से तो मैं समझता ये मुल्क बनाई कायम दायम रहने के लिए और जो मशीत है इनशाला बेहतरी की तरफ जा रही है और देखो ये इसमें इसाक डार को मैं जिम्मेदार करार नहीं दूंगा उसकी वजह ये इसाक डार क्या करता इस बंदूक के दस टुकड़े कर कर इमरान खान ने हमारे हवाले कर दिया था मुल्क के जी आप चलाओ दोबारा से गोली तो टूटी हुई बंदूक से आप गोली चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें इसाक क्या आसमानी फरिश्ते भी आ जाते तो ये मुल्क को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन हम पुरुद हैं कि इन शाह आसिफ अली जरदारी साहब बिलावल भट्टो साहब और मियाँ नवाज शरीफ मैं मैं उन्हें भी इन शाला इस चीज़ में का दाद देता हूँ कि मिल कर के हम इस मुल्क को संभालेंगे ठीक और इस मुल्क को दोबारा से लाइन पर चढ़ाना है ठीक है अच्छा अब वो आज क्योंकि उनकी नुमाइंदगी नहीं है वरना उनसे सवाल किया जा सकता था कि वो फ़लस्तिन के हक़ में है या पता नहीं किसके हक़ में मैं समझ नहीं पाया वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र से गुजरी कराची की जो एक बड़ी जमात माजी में थी आ, वो आज शारा फैसल के ऊपर एक जलसा या उसको क्या लफ्स में कहूँ जलसा कहूँ या ना कहूँ वो करने के लिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को दावत दी आपके पास भी कोई दावत वगैरह आई है कि जी साथ ब, साथ ब, साथ बिल्कुल उन्होंने सारी जमातों को दावत दी है और अच्छी बात है मैं समझता हूँ कि मुखालफत बर मुखालफत नहीं होनी चाहिए कि कोई भी किसी भी सियासी जमात का कोई अगर अच्छा इकदाम है कोई अच्छा तो मैं समझता हूँ कि अगर एम के एम फलस्तन के हक़ में मुजहरा करने जा रही है तो ये मैं, मैं, हम उस मुजाहरे की हिमायत करते हैं तो देखो वहाँ जुल्म हो रहा है जुल्म के खिलाफ अगर कोई भी उठता है तो उसकी हिमायत करनी चाहिए और अच्छा अमल बिल्कुल अच्छा और देखें हमने तो अभी जो जलसा हमारा दो दिन कबल हुआ है कराची में अठारह अक्टूबर को वो जलसा था तो अठारह अक्टूबर के शोर उसमें उसमें जो मेन मकासद थे वो मैं समझता हूँ कि उसमें फ़लस्ती भाइयों के साथ इजहार यकज की, की गई हमारे चेयरमैन साहब ने हम सब ने पार्टी के लाखों हज़ारों कारकुनों ने तो इसमें एम के एम को मैं शाबाशी देता हूँ कि पहली बार उन्होंने कोई अच्छा काम किया है ठीक है चलिए भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया और अच्छा तो दूसरी तरफ जो है हम कर लेंगे और ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और ज़रा इस मौजू के पर गुफू कर ली जाए ज़रा एक आध सवाल मैं इस हवाले से ले लूँ कि कि अब ये जो ख़ास तौर पर इंतबा होने के लिए जा रहे हैं उसमें जो वो अलाइंस बना रहे हैं क्या वक्त टफ टाइम दे सकते हैं अगेन सवाल यही है क्योंकि उन्होंने दावा भी ये किया कि चीफ मिनिस्टर सवाल ही पैदा नहीं होता चीफ मिनिस्ट्री छोड़े ये अपनी जी डी ए में रहा क्या है मुझे बताएं ना मेयर साहब उस जी डी ए से निकल गए हैं पीर साहब पघारा के अलावा तो जी डी ए में कुछ भी नहीं है ये 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 जो मौलाना साहब आए हमारे राशिद साहब जो लाड़काने से ये ये हमेशा से ये हमारे मुखालिफ तहाद बनाते हैं पाकिस्तानी लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता और अभी भी कुछ नहीं आएगा और चीफ मिनिस्टर बनाना मतलब हमारे जो मुखालफ अतहादी हैं वो ये ख़्वाब देख रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टरशिप सिंध की लेंगे कैसे लेंगे आपको सिंध की अवाम रिजेक्ट कर देगी जनरल इलेक्शन में लोग आपको आजमा चुके हैं लोग आपको देख चुके हैं मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में किसी पार्टी से मुकाबला है हमारे बहुत बड़ी तादाद में इनशाला हम तो ये तैयारी कर रहे हैं मैं आपके टीवी पर डिसक्लोज कर रहा हूँ बात हाला नहीं करनी चाहिए हम तो तैयारी कर रहे हैं कि कोई कोई को आधे ममरान हमारे एम पी एस और एम एल ए सिंध में आधे आधे पर हम लड़े उनको धोबी पटका मारे <laughs> <laughs> और आधे पर हम अनपोज आए हम तो अनपोज की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इन शह सिंध में हमें चीफ मिनिस्टर बना हमारा ही होगा और वफाक में भी इन शाह पीपल्स पार्टी जो है भरपूर मुकाबला करेगी और पंजाब में भी हमें बहुत अच्छा रिप्लाई मिल रहा है दोबारा से पंजाब के लोग बड़े बड़े कबीले जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें आसिफ अलीरदारी साहब जितने दिन पंजाब में रहते हैं वहाँ सारा दिन देखें शमूलियतें कल वो कराची में थे तो आप देखें कराची में, में, में कितनी अहम शख्सियात शामिल हुई हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर यही आवाम का एतम है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर अगर जी डी ए नामी जो एक इतिहाद है पता नहीं उसको वो क्या नया नाम दे रहे होंगे क्योंकि उसमें एम के एम भी शा... और मैं हाँ एक बात मैं आपको एडवांस बता के जा रहा हूँ एम के एम कहीं नहीं जा रही है एम के एम हमारे साथ रहेगी वापस आ जाएगी और ये जो नया इतिहाद बना रहे हैं मैं उनको कह रहा हूँ कि इनके इनके धोखे में ना आ रहा ये हमारे साथ ही रहेंगे इनके इनके पास और कोई चॉइस नहीं है देखें ये ये हमेशा हमारे साथ ही रहे इन्हें कुछ नहीं मिलेगा वहाँ हम सब कुछ देने को इनको तैयार हैं आए मिले बैठ मिल बैठ के खिदमत करते हैं इनकी आप भी आए हम बहुत ये ये फजूल में एम दिखा ये रही है मार ये रही आना उन्होंने हमारे साथ लेकिन वो 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 कह रहे हैं ना कि जी आप चार प्लेटें बिरयानी की ज्यादा रखे हमारे सामने बस बात ये है फर्क साधे बहुत बहुत कहीं बार नहीं, 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 नहीं जा रहे इतनी हिम्मत है जाना ना जो, वो, वो जो जिससे बड़ा खौफ आता था वो दांत निकाल दिए गए जो डंग वाले दांत होते हैं अब ये खाली गले में डाल के घूमो ठीक है रजाक भाई बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया आपने और ये बड़ी ख़बर है जो आखिर में आपने दी है और इसके बारे में क्या कहें इसके ऊपर आगे तबसरा जरूर किया जाएगा तो जहाँ एक वक्त है ब्रेक लेने का और ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा और सिलसिले को जारी रखेंगे आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची